हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज फाइनली मैं NPL को अनलॉक करने वाला हूं दोस्तों। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मैंने 1200 प्लैटिनम कॉइंस को इकट्ठा कर लिया। तो आज मैं फाइनली NPL को अनलॉक करने वाला हूं दोस्तों। इसमें पूरी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा इसमें क्या बुराई है और इसमें क्या अच्छा है, इसका पूरा आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को NPL अनलॉक करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी पूरी तरीके से बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले दोस्तों। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों। उससे हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आप लोग ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं दोस्तों। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लो और आप मेरे साथ बात कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया तो जल्दी से जाओ लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं NPL को अनलॉक करने वाला हूं दोस्तों। पूरे के पूरे 1200 प्लैटिनम कॉइंस देकर मैं अनलॉक करने वाला हूं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अनलॉक करने से पहले मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि दो दिनों से वीडियो जो है नहीं आया था। इसके पीछे कुछ रीजंस था दोस्तों, क्योंकि मेरे को विषय नहीं मिल रहा था, मतलब मैं कौन सा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूं, मतलब कौन सा वीडियो मैं आप लोगों को बनाऊं, इसके पीछे मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा वीडियो आप लोगों को अपलोड करूं। तो इसीलिए मुझे नीचे जाकर इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों, मैं अगला वीडियो किस चीज़ पर लेकर आऊँ आप लोगों को। तो दोस्तों, इसीलिए मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों, मैं अगले वीडियो किस विषय पर आप लोगों को लेकर आऊँ। और दोस्तों, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा मैं उसी विषय पर वीडियो लेकर आऊँ। तो दोस्तों, अभी मैं पूरे के पूरे 1200 प्लैटिनम कॉइंस दे दिया दोस्तों। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मुझे 2800 कॉइंस जो है मिला है दोस्तों, गोल्ड कॉइंस मिला है दोस्तों। तो मैं अभी ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट कर ये भी बताएगा दोस्तों, मैं कौन सा टीम के साथ खेलूं। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं RCB के साथ खेलकर आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, मतलब गेम प्ले में क्या क्या है, मतलब इसमें क्या क्या अच्छा है और क्या क्या बुरा है, ये सब आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। अगर आप मुझे नीचे कमेंट कर अगर दूसरा टीम चूज़ करने के लिए बोलते हैं, तो मैं अगले वीडियो पर दूसरा टीम के साथ खेलकर आप लोगों को गेम प्ले भी दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मैंने NPL को अनलॉक कर दिया दोस्तों। अभी मेरे पास तीन ऑप्शन है, न्यू, 2019, रैंडम। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं बता दूं तो न्यू मतलब आप लोगों को पूरी तरीके से न्यू आप लोगों का ऑक्शन जो है स्टार्ट होगा। इसी तरीके से मतलब आप लोगों को पहले से जो है ऑक्शन स्टार्ट होगा, आप लोगों को पूरे के पूरे खेलना, मतलब जो ऑक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, और आप जो प्लेयर चाहते हो मतलब वो प्लेयर को आप पिक कर सकते हो दोस्तों। और रैंडम जो है मतलब रैंडमली कुछ प्लेयर्स, मतलब 25 प्लेयर्स आप लोगों को ऐड कराया जाता है, मतलब इसमें से आप लोगों को कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट आप जो है गेम खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू पर जाएंगे तब आप लोगों को पूरे के पूरे जो ऑक्शन है कंप्लीट करना पड़ेगा, पूरे के पूरे जो 25 प्लेयर्स है आप लोगों को पिक करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप 2019 पर क्लिक करेंगे आप लोगों को कुछ प्लेयर्स मिल जाएंगे दोस्तों, मतलब 2019 में कौन कौन सा प्लेयर जो है खेला वो आप लोगों को प्लेयर्स जो है मिल जाएंगे। लेकिन आप लोगों को पूरे नहीं मिलेंगे दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तीन प्लेयर आप पिक कर सकते हो उस टीम के हिसाब। और अब जब तीन प्लेयर को पिक कर लेंगे उसके बाद जो है फिर से NPL जो है मतलब जो ऑक्शन है वो स्टार्ट होगा, और अब फिर से आप लोगों को जो बाकी का जो प्लेयर्स है वो आप लोगों को पिक करना पड़ेगा दोस्तों NPL ऑक्शन से। अगर आप बहुत ही जल्दी मतलब गेम को खेलना चाहते हो तो आप रैंडम पर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। जैसे आप लोगों को पूरे के पूरे 25 प्लेयर्स मिल जाएंगे और आप जल्दी से जल्दी गेम को प्ले कर सकेंगे। अगर आप चाहते हो मैं एक न्यू मतलब न्यू टीम क्रिएट करूँ, एक अच्छा सा टीम करूँ, एक अच्छा सा टीम बिल्ड करूँ, तो आप जाकर न्यू पर क्लिक कर सकते हो और आपका जो टीम है आप सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, या फिर आप 2019 पर भी जा सकते हो, क्योंकि उसमें से आप तीन अच्छे प्लेयर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों लगभग सेम ही है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मैं न्यू पर चले गया दोस्तों। मैं अभी पूरे के पूरे न्यू टीम जो है बिल्ड करने वाला हूँ, मतलब जैसे कि अभी RCB का जो 2020 का जो न्यू टीम है वही पूरे के पूरे मैं बिल्ड करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, जो NPL का ऑक्शन है वो स्टार्ट हो गया दोस्तों। लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला पूरे के पूरे 25 प्लेयर्स को सेलेक्ट करने में, इसीलिए ये जो है मैं पूरे के पूरे मतलब स्किप कर आप लोगों को जो टीम है दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, फाइनली मैंने टीम सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया पूरे के पूरे टीम को सेलेक्ट करने में, तो अभी मैं प्ले नाउ पर क्लिक करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मैं RCB का जो जर्सी है वो सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा पहला मैच सनराइजर्स के साथ है दोस्तों। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, पूरे के पूरे मतलब अभी जो NPL का जो टाइम टेबल है, मतलब अभी जो IPL का जो टाइम टेबल है उसी के हिसाब से जो मैच भी होने वाले दोस्तों। पहला जो है आप इधर देख सकते हो, पूरे के पूरे जो मैच का लिस्ट है वो सब कुछ दिया गया है दोस्तों। मतलब अभी का जो मैच का जो टाइम टेबल है वो पूरे के पूरे है दोस्तों। मतलब अभी रियल जो IPL का जो मैचेस होने वाले हैं उसका पूरे के पूरे टाइम टेबल भी इधर है दोस्तों।
और आप जो भी टीम सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से, मतलब उसी के टाइम टेबल के हिसाब से ही आप लोगों को मैच भी वही अपोनेंट के साथ खेलने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये तो बहुत ही ज्यादा काफी अच्छा फ्यूचर ऐड किया दोस्तों कंपनी ने, मतलब बहुत ही ज्यादा रियल फील करता है ये फ्यूचर, तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया दोस्तों। आपको पसंद आया कि नहीं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं वापस आ गया, अभी मैं प्ले नाउ पर क्लिक करने वाला हूं। तो दोस्तों अभी मैं प्लेइंग 11 को सेट कर आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो पूरे के पूरे आरसीबी का जो टीम है मैंने एनपीएल ऑक्शन से मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। अभी मैं प्लेइंग 11 पे मैं टीम को सेलेक्ट करने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो मैंने पूरे के पूरे आरसीबी का जो प्लेइंग 11 है वो सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। तो मैं अभी ओके पर टैप करने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी लोडिंग होने वाला है, बहुत ही जल्दी गेम जो है स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैच जो है स्टार्ट हो गया, आरसीबी का पहला मैच आरसीबी वर्सेस एसआरएच। तो दोस्तों ये मैच हैदराबाद का होम ग्राउंड पर होने वाला है दोस्तों, असली में तो इंडिया में ही नहीं हो रहा, खैर छोड़िए। तो देखते टॉस कौन जीतता, मैंने हेड चुन लिया। तो टॉस कौन जीता, तो दोस्तों टॉस हैदराबाद ने जीता दोस्तों, और हैदराबाद ने बैटिंग चुन लिया दोस्तों। तो हैदराबाद अभी बैटिंग करने वाला पहला, उसके बाद हम बैटिंग करने वाले। तो देखते हैं कितना बड़ा स्कोर जो है हैदराबाद खड़ा कर सकता है, मतलब एसआरएच कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी एसआरएच को मतलब कम स्कोर में ही आउट कर दें, ऑल आउट कर दें। तो दोस्तों दोनों टीम बहुत ही जल्दी ग्राउंड पर आ चुके हैं दोस्तों। तो हैदराबाद में खेला जा रहा, असली में तो ये इंडिया में ही नहीं खेला जा रहा, खैर छोड़िए। तो दोस्तों मैच जो स्टार्ट हो गया, पहला डालने वाला है क्रिस मॉरिस, पहला बॉलर जो डालने वाला है वो क्रिस मॉरिस डालने वाला है दोस्तों, पहला ओवर का जो शुरुआत करने वाला है। तो देखते हैं पहला फील्डिंग में भी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो गया दोस्तों। तो देखते हैं क्या करते हैं, मतलब पहला जो बॉलर दोस्तों, पहला बॉल जो है डाल दिया दोस्तों, वो है वो क्या, मतलब डॉट बॉल हो गया दोस्तों अभी। तो दोस्तों केन विलियमसन ने इधर कैच दे दिया दोस्तों, देखते कैच हो पाता। तो दोस्तों कैच जो है हो गया दोस्तों, वो भी विराट कोहली ने पकड़ लिया दोस्तों, मतलब विराट कोहली से तो कैच जो ही मिस हो ही नहीं पाता, तो कैच जो है आसानी से पकड़ लिया और केन विलियमसन को आउट कर दिया दोस्तों, वो भी पहला ओवर में ही केन विलियमसन आउट हो गया कैच देकर। ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है मतलब एसआरएच को, क्योंकि बहुत ही जल्दी विकेट जो है खो लिया दोस्तों एसआरएच ने, वो भी केन विलियमसन का। आरसीबी को तो बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है क्योंकि केन विलियमसन पहला ओवर पर ही आउट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा बैट्समैन जो है आ गया। तो दोस्तों इधर डेविड वार्नर ने पहला बॉल पर ही चक्का मार दिया दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट चक्का मारा दोस्तों, बहुत ही अच्छा शॉट मारा डेविड वार्नर ने, मतलब पहला बॉल पर ही आरसीबी को बता दिया हम भी कुछ कम नहीं, मतलब हमारे पास भी कुछ दम है। तो दोस्तों अगला बॉल डाले जा रहे हैं डेविड वार्नर को, क्या अभी फिर से चक्का मारता है। तो बॉल तो हवा में उड़ रहा है दोस्तों, लेकिन कैच क्या पकड़ लेता, हाँ दोस्तों कैच जो है पकड़ लिया दोस्तों, और भी विराट कोहली ने ही कैच पकड़ा दोस्तों। दोनों के दोनों ओपनर्स जो है दो ओवर में ही आउट हो गया दोस्तों। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है आरसीबी को, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरफ के का लॉटरी लग गया दोस्तों आरसीबी को, तो बहुत अच्छा खेल रहा है दोस्तों आरसीबी ने। तो दोस्तों इधर मनीष पांड्या ने छक्का मार दिया दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा लंबा छक्का मारा दोस्तों मनीष पांड्या ने, बहुत ही अच्छा छक्का मारा। तो दोस्तों देखते अगले बॉल पर भी छक्का मार सकते, ये फिर से डेविड वार्नर की तरह आउट हो जाता है, ये क्या करते देखते हैं दोस्तों। तो बॉल जो है डालने वाला क्रिस मॉरिस फिर से, तो बॉल जो है डाला दोस्तों, ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छा छक्का मार दिया दोस्तों, उससे भी बेहतर छक्का मार दिया, लंबा बहुत ही ज़्यादा लंबा छक्का मारा दोस्तों मनीष पांड्या ने। तो दोस्तों इधर मनीष पांड्या ने हवा में शॉट खेला दोस्तों, तो देखते कैच पकड़ पाते हैं नहीं। तो दोस्तों कैच जो है पकड़ लिया है दोस्तों मनीष पांड्या ने, 13 रन्स बनाकर आउट हो गया दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कम रन्स में मनीष पांड्या ने आउट हो गया दोस्तों आरसीबी के। तो लॉटरी पे लॉटरी लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों उसी के साथ स्ट्रेटजी का टाइम आउट हो गया दोस्तों। तो मैं जल्दी से जल्दी 500 गोल्ड कॉइन्स पे कर देता हूँ। तो मैंने 500 गोल्ड कॉइन्स पे कर दिया दोस्तों, तो मैच जो है फिर से स्टार्ट हो गया। तो 7 ओवर्स हो गया दोस्तों, तो जो स्कोर है 19 पर 6 विकेट गिर गया दोस्तों। तो फिर से जो है बैट्समैन ने हवा में शॉट खेला दोस्तों, तो देखते कैच पकड़ पाते हैं। तो दोस्तों कैच जो है पकड़ लिया दोस्तों, आउट हो गया, फिर से एक और विकेट मिल गया दोस्तों आरसीबी को। तो दोस्तों अभी लग रहा है जो एसआरएच बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से गेम को हारने वाला, मतलब मैच को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हारने वाला, सिर्फ और सिर्फ 19 रन्स पर ही 7 विकेट्स लॉस कर दिया, 7 विकेट्स खो दिया दोस्तों। तो दोस्तों इधर फिर से एक और स्ट्रेटजी टाइम आउट हो गया दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। तो मैं फिर से 500 गोल्ड कॉइन्स पे कर देता हूं दोस्तों, तो मैंने पे कर दिया 500 गोल्ड कॉइन्स, फिर से मैच जो है शुरू हो गया दोस्तों।
जैसे कि आप इधर देख सकते हो, तो फिर से देवदत्त पाडिकल ने बॉल डाला, तो ये तो डॉट बॉल हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इधर SRH ने 19 रन्स पर ही ऑल आउट हो गया दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, पूरे के पूरे 15 ओवर में 19 रन्स बनाए दोस्तों, और पूरे के पूरे 10 विकेट SRH ने खो दिया दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम टोटल दिया SRH ने, तो देखते ही RCB ये 19 रन्स कर पाता है या नहीं, ये SRH की तरह ये ऑल आउट हो जाता है ये कम रन पर। तो देखते पहला बॉल जो है डाल रहा है दोस्तों, तो पहला बॉल तो सीधा गया गैप में, और ये तो चौका हो गया दोस्तों। ये तो पहला बॉल पार्थिव पटेल ने चौका मार दिया दोस्तों, पहला बॉल में ही चौका मार दिया। तो दोस्तों इधर दूसरा गेम डाला जा रहा है दोस्तों, तो देखते हैं ये दूसरा गेम में इधर क्या विकेट मिलता है या क्या होता। तो दोस्तों इधर सिर्फ और सिर्फ ग्राउंडेड शॉट खेला दोस्तों, गैप में जो है शॉट गया और इधर चौका मिल गया दोस्तों पार्थिव पटेल को। फिर से लगातार दो चौका मारा है दोस्तों पार्थिव पटेल ने, लगता है एक ही ओवर में जो मैच है पूरे के पूरे कम्प्लीट करने का उद्देश्य। तो दोस्तों इधर पार्थिव पटेल ने शानदार शॉट मारा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गैप में जो फाइन मतलब बहुत ही अच्छा शॉट जो है मारा है दोस्तों। तो देखते अभी तीसरा गेम जो है डाला जा रहा है दोस्तों, क्या इधर क्या होता है। तो दोस्तों इधर तो छक्का मार दिया दोस्तों पार्थिव पटेल ने, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा लंबा छक्का मारा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा छक्का मारा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर तक गया दोस्तों, हेलीकॉप्टर शॉट आप कह सकते हो। तो दोस्तों मैच जो है बहुत ही जल्दी जो कंप्लीट हो जाएगा ऐसा लग रहा है दोस्तों। एक ही ओवर में कंप्लीट हो जाएगा लग रहा है मैच जो है। तो दोस्तों इधर तो सिंगल ही लिया दोस्तों, मतलब ज़्यादा छक्का छक्का पर नहीं गया, सिंगल लिया पार्थिव पटेल ने। अभी एरन फिंच आ गया दोस्तों, तो देखते हैं एरन फिंच क्या करता है। तो दोस्तों एरन फिंच ने तो पहला गेंद पर ही छक्का मार दिया दोस्तों। तो दोस्तों मैच जो है कंप्लीट हो गया दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, पहला ओवर पर जो मैच है कंप्लीट हो गया, पूरे को पूरे जो 19 रन चेज होने वाले थे वो पूरे को पूरे 19 रन पहला ओवर पर ही, पहले दो ओपनर्स बैट्समैन ही पूरे के पूरे मतलब पूरे के पूरे रन जो है बना दिया दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा आसान मैच रहा मतलब RCB को दोस्तों। इधर RCB 1/10 विकेट्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा आरामदायक मैच था, बहुत ही कम स्कोर दिया SRH ने, पहला ओवर पर ही मैच जो है कंप्लीट हो गया दोस्तों। दोस्तों इधर क्रिस मॉरिस मैन ऑफ द मैच बने, 6 विकेट्स उन्होंने लिए दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये गेम प्ले आप लोगों को पसंद आए तो जल्दी से जाओ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा अगले वीडियो में किस विषय पर बनाऊं, और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे वो भी कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों। तो दोस्तों इधर आदित्य जिन ने कमेंट किया, यू आर ए बेस्ट यूट्यूबर इन द वर्ल्ड, प्लीज़ मार्क माई कमेंट। तो आपका कमेंट जो मार्क किया, लेकिन मैं बेस्ट यूट्यूबर तो नहीं, मेरे से बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं तो एक छोटा यूट्यूबर हूँ, लेकिन कमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तो दोस्तों आपका भी कमेंट पिक करा जा सकता है, तो जल्दी से जाओ कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कर दो, क्या पता कल आपका कमेंट पिक कर सकता है दोस्तों। और दोस्तों नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, तो जल्दी से जाओ फॉलो कर लो, उधर भी आप मेरे साथ बात कर सकते हो, और उधर भी मेरे को आप बता सकते हैं मैं अगले वीडियो किस विषय पर लेकर आऊँ। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों, उससे हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, और आप लोग ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है अगले वीडियो में दोस्तों, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, अलविदा।